morning, dear students. Today we are going to discuss a very important concept of coordinate geometry, that is hyperbola. तो बच्चों हाइपरबोला क्या होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हाइपरबोला में बच्चों एक फिक्स्ड लाइन होती है और यहां पे भी एक फिक्स पॉइंट होता है और ये फिक्स पॉइंट मान लो इसको हमने एस से डिनोट कर दिया एंड दिस इज ए फिक्स्ड लाइन। तो बच्चों एक पॉइंट पी इस तरीके से मूव करेगा, सपोज पी इज ए पॉइंट यहां पे मान लो कोई पॉइंट पी है सच दैट दिस इज लाइक दिस। सो एस पी अपॉन पी एम इज ई। बच्चों यही डेफिनेशन एलिप्स का भी होता है और यही डेफिनेशन हाइपरबोला का भी होता है और यही डेफिनेशन जो है वो पैराबोला का भी होता है कि एक फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स लाइन होता है और पॉइंट पी इस तरीके से मूव करता है कि उसका डिस्टेंस एस से और उसका डिस्टेंस एम इस लाइन फिक्स लाइन से दैट इज पी एम इन दोनों का रेशियो ई होता है। और आपको पता है ई अगर वन हो जाएगा तो ये पैराबोला हो जाएगा, जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं। और अगर ई जीरो और वन के बीच में लाई करेगा तो ये एलिप्स हो जाएगा और ई अगर मोर देन वन होगा तो ये हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे कि हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे बनती है और उसका ग्राफ कैसा आता है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक ले लिया, एक मैंने ले लिया फिक्स्ड लाइन और मैंने एक ले लिया फिक्स पॉइंट और ये जो फिक्स पॉइंट है वो फिक्स लाइन के ऊपर नहीं है। और बच्चों मैंने अपनी सुविधा के लिए एस पी अपॉन पी एम को ले लिया है टू ले लिया है, यहां पे ई को हमने टू ले लिया है सो दैट वी हैव ए बेटर विजुअलाइजेशन। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एक लाइन ड्रा कर ले जो कि फिक्स लाइन है, जो कि इस फिक्स लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, तो बाइसेक्शन फॉर्मूला सपोज दिस पॉइंट इज जेड, तो बाइसेक्शन फॉर्मूला देयर वुड बी ए पॉइंट ऑन यू कैन से एस जेड सच दैट, और उस पॉइंट को आप बोल दो बच्चों ए बोल दो सच दैट एस ए अपॉन ए जेड विल बी इक्वल टू ई। और ई को बच्चों आप मन में टू लेकर के चलो जिससे कि आपका जो विजुअलाइजेशन होगा वो आसान रहेगा। तो बच्चों एक पॉइंट हमको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना, ये तो कंफर्म हो गया। और तो बच्चों एक पॉइंट तो देखो हमारा मिल गया ऐसे अपन जो एजेड है वो है। और उसी तरीके से बच्चों आपको पता है कि एक लाइन और एक पॉइंट और मिल जाएगा सच दैट दिस इज यू कैन से दिस इज ए डैश सच दैट यहां पे जैसे कि एस ए इज इक्वल टू ई एजेड है दिस इज नंबर वन और उसी तरीके से एस ए डैश इज इक्वल टू ई ए डैश जेड हो जाएगा और ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट जेड एस को एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा बच्चों यू कैन से टू रेशियो वन में और एक बच्चों एक्सटर्नली डिवाइड करेगा देखो एस ए डैश अपॉन ए डैश जेड ये भी टू रेशियो वन में होगा। तो बच्चों पॉइंट इधर नहीं मिलेगा ये ध्यान रखना आपको, ये पॉइंट जो है जैसे कि ये जो जेड एस लाइन सेगमेंट है अगर इसको मान लो अगर ये टू रेशियो वन में ये डिवाइड कर रहा है तो इधर पॉइंट कहीं होगा देखो एस ए डैश इज मोर ना एस ए डैश इज मोर
एंड a डैश z इज लेस, तो ये पॉइंट इधर कहीं आएगा। इतना तो कंफर्म हो गया ना, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की बात करते थे ना, आप लोगों को याद होगा, थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ कि मान लो अगर हम लोग बात करते थे कि कोई पॉइंट है, मान लो P है, कोई पॉइंट Q है, और यहाँ पे कोई पॉइंट पॉइंट R है, और ये 2:1 में है, तो एक पॉइंट यहाँ पे मिला करता था Q डैश, सर यहाँ पे जैसे पी आर रेशियो आर क्यू जो है मान लो 2:1 है, तो उसी तरीके से पी क्यू डैश, अच्छा यहाँ पे इसको आर डैश बोल दो, यहाँ पे एक आर डैश पॉइंट मिला करता था पी आर डैश, सर दैट पी आर डैश रेशियो आर डैश क्यू इक्वल टू 2:1, ठीक है ना। अगर ये जो है इसमें 2:1 ये बड़ा है अगर इससे, ठीक है ना, जैसे ए रेशियो बी अगर है और ए बी से बड़ा है, और उसी तरीके से अगर बच्चों यहाँ पे अगर रेशियो हमारा क्या है, अगर रेशियो हमारा कुछ इस तरह का है बच्चों, पी क्यू और ये मान लो आर है, और ये रेशियो 1:2 है, तो एक पॉइंट इधर मिलेगा हमको, एक्सटर्नल पॉइंट, दैट इज आर डैश, सो दैट पी पी आर डैश प्लस रेशियो आर डैश क्यू इज इक्वल टू 1:2 यू कैन से। तो यहां पे कुछ वैसा ही हिसाब किताब है ना, बल्कि ये जो है हमारा 2:1 है ना, ठीक है, और यहाँ पे 1:2 है, तो पी आर रेशियो आर क्यू इज 2:1 और पी आर डैश रेशियो आर पी आर डैश रेशियो आर डैश क्यू यहाँ पे 2 डैश, और यहाँ पे बच्चों पी आर डैश, देखो पी आर डैश जो होगा बच्चों कम होगा और आर डैश क्यू ज्यादा होगा, तो ये रेशियो इधर चला जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको विजुलाइज करना है कि अगर बच्चों यहाँ पे पी, यहाँ पे जैसे कि ये पी है और ये क्यू है, कुछ इस तरह का है, और पी ए अपॉन ए क्यू है, यहाँ पे यहाँ सॉरी ये पी है और ये क्यू है, और पी ए अपॉन ए क्यू है, तो ये मोर देन 1 है, देखो रेशियो, तो इधर ये पॉइंट आ जाएगा जेड ए अपॉन एस ए अपॉन ए जेड, सॉरी एस ए अपॉन ए जेड जो है बच्चों यहाँ पे 2 है, उसी तरीके से एस ए डैश अपॉन ए डैश जेड, तो ये पॉइंट इधर आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया देखो। और हम लोग ए डैश को मान लेंगे कि फिक्स्ड है, ए डैश को हम मान लेंगे, लेट ए डैश इज इक्वल टू सम डेफिनेट लेंथ एंड आई विल कॉल इट 2a, ठीक है ना, बाद के लिए ये काम में आ जाएगा। अब बच्चों यहां पे दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड वन मोर थिंग यू कैन वेरी इजीली सी दैट ये पॉइंट जो है इस तरीके से बच्चों, ये पॉइंट कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ये और भी पॉइंट्स होंगे ना, और भी पॉइंट्स होंगे, तो इस तरीके से ये हमारा यू कैन से SP और ये हमारा PM, तो दिस SP अपॉन PM इज इन जनरल 2, और इनफैक्ट हमने लिया हुआ है यहाँ पे E लिया हुआ है इसको, दिस इज E, तो ये देखो पूरा सेटअप तो हमने बना लिया बच्चों, अच्छे से सेटअप देखो बन गया, और थोड़ा सा आप यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो कि ये जो है थोड़ा सा ये दूर है ना, ये ज्यादा है ये कम है, तो कुछ इस तरीके से ये चलेगा ये ऐसे, और यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, तो बच्चों एक यहाँ पे भी पॉइंट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे भी देखो आप इसको भी समझ लो, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ ऐसे मिलेगा, देखो मैं वैसे इसको बना के दिखा देता हूँ, देखो एस पी ये पी है और ये एम है, तो यहाँ पे भी देखो एस पी ज्यादा है ना और पी एम कम है, तो एस पी अपॉन पी एम इज मोर देन यू कैन से 1, तो ये इनफैक्ट ये हमारा जो है डायरेक्ट्रिक्स जिसको हम बाद में चल के बोलेंगे, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये लाइन है फिक्स्ड लाइन है और ये फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम बाद में चल करके फोकस बोलेंगे, और इस तरीके से दो कर्व बन रहे हैं, एक तो जो है यहाँ पे दो, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे एक कर्व ऐसे बन रहा है और एक कर्व ऐसे बन रहा है, इन दोनों को कंबाइंडली बच्चों बोलेंगे हाइपरबोला, एंड दीज आर द ब्रांचेज ऑफ द हाइपरबोला, दिस इज फर्स्ट ब्रांच देन दिस इज द सेकंड ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला यू कैन से, बट दीज टू टुगेदर आर कॉल्ड हाइपरबोला और वन सिंगल हाइपरबोला यू कैन से, दो हाइपरबोला नहीं बोलेंगे, और ये पैराबोला जैसा दिख रहा है और ये भी पैराबोला जैसा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हाइपरबोला पैराबोला दो पैराबोला को मिलकर के बनता है, दिस इज डिफरेंट, ठीक है ना,
फ्रॉम पैराबोला, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पैराबोला. हम लोग देखेंगे क्या बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, तो पूरा अच्छे से इसको बच्चों समझो, पूरा इक्वेशन पे हमारा फोकस है. नहीं अजित, ये सिमेट्रिक, देखो डायरेक्ट्रिक्स के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता है, बिल्कुल डायरेक्ट्रिक्स के अबाउट सिमेट्रिक हो नहीं सकता है ना. ठीक है ना, सिमेट्रिक अभी हम लोग बात करेंगे ना. देखो सिमेट्रिक होगा इसके अबाउट, जैसे देखो यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट ए है. अगर इस लाइन की बात करोगे तो इसको हम एक्सिस बोलेंगे आगे चल करके, दिस वुड बी कॉल्ड एज एक्सिस. और इसमें तो देखो ऑब्वियस सी बात है, इनफैक्ट इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस आगे चल करके, इसका नाम होगा ट्रांसवर्स एक्सिस. दिस इज लाइक अ मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स. तो सिमेट्री इसलिए नहीं होगी, देखो एक पॉइंट अगर यहां पे होगा तो एक पॉइंट यहां पे होगा, तो इस और एक पॉइंट यहां पे होगा तो एक पॉइंट यहां पे भी होगा. तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो है इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा. अब देखो यहां पे ये जो ए डैश है, यहां पे एक पॉइंट है इस ट्रांसवर्स एक्सिस पे जिसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे. तो इस ट्रांसवर्स एक्सिस पे देखो अगर यहां पे एक मिड पॉइंट ले ले तो फिर इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल हो जाएगा. हाइपरबोला एक ऐसा ये है और फिर ये है. अजित समझ में आ गया? गुड. अब जो है आप बिल्कुल आराम से जो है सोचते रहिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत अगर आती है तो मुझसे पूछिए. तो बच्चों देखो अब यहां पे जो है ये दो इक्वेशंस जो हमारी बनी हैं, इन्हीं का यूज करके हम कुछ डिराइव करने वाले हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो हम क्या करेंगे, 1+2 करने वाले हैं, 1+2. तो 1+2 से बच्चों क्या मिलेगा, एस ए प्लस एस ए डैश इज इक्वल टू ई ए जेड प्लस ए डैश जेड, और एस ए को हम बच्चों, अच्छा ए डैश का जो हम लोग जैसे कि यहां पे हमने एज्यूम किया हुआ है, ए डैश का जो मिड पॉइंट होगा उसको बच्चों हम लोग बोल देंगे सी, बिल्कुल ठीक है ना. तो एस ए को हम लिख सकते हैं यहां पे, एस ए को लिख सकते हैं सी एस माइनस सी ए, और एस ए डैश को लिख सकते हैं एस ए डैश को लिख सकते हैं सी ए डैश प्लस, बच्चों देखो यहां पे ये एस ए डैश है तो ये लेंथ प्लस सी एस, सी ए डैश प्लस सी एस, तो हमने लिख लिया इसको सी एस, ये ध्यान रखना है आपको. और ये आ जाएगा ई ए जेड को, सब सी के अबाउट अब कर रहे हैं क्योंकि ए डैश का मिड पॉइंट सी हमने एज्यूम कर लिया है. तो ए जेड को हम लिख लेंगे, ए जेड को लिख लेंगे सी ए माइनस सी जेड प्लस ए डैश जेड को हम लिख लेंगे, ए डैश जेड को लिख लेंगे सी ए डैश प्लस सी जेड. तो बच्चों यहां से कुछ कैंसिलेशन, देखो सी ए और सी ए डैश तो इक्वल होगा तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, इससे सी ए और सी ए डैश कैंसिल हो जाएगा. और यहां पे आप देख सकते हो यहां पे हमने सी जेड और सी जेड को कैंसिल कर दिया, तो और सी एस और सी एस बच्चों टू सी एस हो जाएगा, टू सी एस इजिकल टू इंटू सी ए प्लस सी ए डैश, और ये हमारा आ जाएगा सी एस इजिकल टू, और सी ए प्लस सी ए डैश टू ए है तो टू सी एस इजिकल टू टू ए, टू से टू कैंसिल हो गया तो सी एस इजिकल टू ए आ गया. तो एक काम तो ये हो गया कि सी एस ए आ गया. अब हम क्या करेंगे, 2-1 करेंगे, 2-1 को हम फाइंड आउट करेंगे. तो 2-1 करेंगे बच्चों, तो आप बल्कि जो है ऐसे ही लिख लो, एस ए डैश माइनस एस ए इजिकल टू ई ए डैश जेड माइनस ए जेड. तो अभी जो हमने एक्सपेंड करते समय यूज किया ना बच्चों, देखो एस ए डैश को हमने क्या लिखा है, एस ए डैश इजिकल टू दिस, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं. तो इसी को कॉपी करेंगे तो सी ए डैश, बहुत अच्छे से बच्चों समझो, बहुत मजा आने वाला है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, सी एस माइनस सी ए ऐसे.
और इज इक्वल टू ई ए डैश जेड, हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसी को कॉपी कर लेता हूँ, सी ए डैश प्लस सी जेड माइनस सी ए प्लस सी जेड हो जाएगा ये। और देखो बच्चों यहाँ से सी एस कैंसिल हो गया और सी ए प्लस सी ए टू सी ए हो जाएगा, सी ए डैश प्लस सी ए ऐसे इज इक्वल टू ई। और यहाँ पे बच्चों कैंसिल क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है सी ए डैश और ये सी ए और ये हो जाएगा टू सी जेड और ये हो जाएगा टू ए, टू ए इज इक्वल टू ई इंटू टू ई सी जेड। तो सी जेड क्या आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया, सी जेड आ गया ए अपॉन ई। दिस इज नाइस। अच्छा अब बच्चों देखो सब कुछ यहीं से बनने बन रहा है। आप ये ध्यान रखो कि हमने लिया एक फिक्स लाइन, हमने लिया एक फिक्स पॉइंट और हमने एक डेफिनेट रेशियो लिया एस, कोई पॉइंट पी इस प्लेन में था। और ये सारा बच्चों देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये लाइन, ये सभी एक्स वाई प्लेन में है और पी भी एक्स वाई प्लेन में है। पी भी कोई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन मत बोलो अभी, पी भी एक प्लेन में है, ये सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। और इस तरीके से एस पी अपन पी एम, ये जो हमने लिया हुआ है एस पी अपन पी एम ई के इक्वल है। तो एक स्पेशल केस तो हमेशा हम लोग ले ही सकते हैं कि एस से अगर हम एक फिक्स लाइन ड्रा करें, एक से अगर हम एक फिक्स लाइन पे अगर 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 हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा बाईसेक्शन फार्मूला और एक यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पे पॉइंट मिलेगा तो यहाँ से ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आ गए और ऐसे यहाँ पे भी आ गए बहुत सारे पॉइंट्स। तो इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जिसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस और ये मेजर एक्सिस भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि एलिप्स जैसा ही सिचुएशन बन रहा है तो इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस वैसे नाम देने का रीजन है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा आगे चल करके इसको ट्रांसवर्स एक्सिस क्यों बोल रहे हैं। इसके अबाउट ये हाइपरबोला सिमेट्रिक हो गया और इसके परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रा कर दें, ठीक है ना, इसके अबाउट भी देखो इधर एक ब्रांच है इधर एक ब्रांच है, बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री है। इसको बच्चों हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस और ये माइनर एक्सिस जैसा ही है। लेकिन ये नए नाम कहां से आ गए, क्यों आ गए, ये भी एक डिस्कशन वाली बात है, इसके बारे में मैं बात करूंगा आपको। लेकिन अभी ठीक है बच्चों, अब जो है देखो अब हमारे पास इतना तो कंफर्म हो गया कि इस पॉइंट से ये जो हमारा जो जो हमने जिसको डिफाइन कर लिया बच्चों ट्रांसवर्स एक्सिस और इसको हमने कॉन्जुगेट एक्सिस डिफाइन कर लिया तो और ये पॉइंट सी है, सी से जेड की दूरी ए अपानी है और एस की दूरी ए ई है। क्या ऐसा पहले भी नहीं था, पहले भी फोकस की दूरी जो बच्चों होती थी इस पॉइंट सी से, सी को हम सेंटर बोलेंगे बच्चों, सी सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सी से जेड की दूरी पहले भी होती थी ए अपन ई और सी से एस की दूरी पहले भी होती थी एलिप्स में ए ई। लेकिन बस यहाँ पे अंतर है बच्चों ये है कि यहाँ पे ई बिकॉज ई इज मोर देन वन, तो वहां पे एलिप्स में क्या होता था बच्चों, एलिप्स में देखो कुछ इस तरह की सिचुएशन होती थी, ऐसे एलिप्स था और ये जो है हमारा जो है सी था, एस यहाँ पे था और जेड यहाँ पे था और यहाँ पे देखो ये हमारा ए कामा जीरो होता था और ये ए अपन ई कामा जीरो होता था। यहाँ पे बच्चों आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सी से जो सबसे पहले आ रहा है वो आ रहा है हमारा जेड, जेड आ गया और फिर उसके बाद से एस आ रहा है, तो ये बिकॉज ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ ई इज मोर देन वन। अब बच्चों हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की बात कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं, पे अटेंशन। सो इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला, That's great. That we can now talk about equation. तो बच्चों अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो ये तो आपकी अपनी मर्जी है ना कि आप बच्चों इस a डैश को क्या मानते हो और इसको क्या मानते हो आप। तो चलो मैं अभी फिलहाल इसको दो केस बनाऊंगा, पहले केस में मैं इसको x एक्सिस बोल दूंगा और इसको y एक्सिस और दूसरे केस में इसको मैं बच्चों जो है इसको मैं बना लूंगा y एक्सिस और इसको बना लूंगा x एक्सिस। वो तो अपनी मर्जी है ना, वैसे तो आप चाहो तो इसको आप y = x लाइन भी ले सकते हो और इस लाइन को ये जो परपेंडिकुलर है इसको x + y = 0 भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें
इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। तो बच्चों हम लोग लेने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब ड्रा करने जा रहे हैं। एंड यहां पे मैंने बच्चों ड्रा कर लिया, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और यहां पे एक पॉइंट अभी आपने देखा था ना, ए था, और यहां पे एक पॉइंट ए डैश, और हमारा जो कर्व बनेगा कुछ ऐसे कर्व बनेगा, मैं बना देता हूं, इनफैक्ट कुछ ऐसे कर्व बनेगा, कुछ ऐसा कर्व बनेगा, और ये हमारा सी है बच्चों, सी, और ये लाइन हमारी, देखो मैंने थोड़ा बहुत ध्यान रखा हुआ है, ये हमारा पॉइंट है, यू कैन से जेड, और यहां पे आप देख सकते हो ए जेड अपॉन ये, अच्छा ये जो है बच्चों हमारा, इसको एस बोल देता हूं, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत जो है यहां पे इसको एस बोल देता हूं, ये एस है, और ठीक है, तो यहां पे देखो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एस ए अपॉन एजेट इज इक्वल टू ई, जैसा कि मैंने आपको समझाने के लिए था ई को टू लिया हुआ था, तो सब कुछ फाइन है बच्चों, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है ना। तो और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसे लोगे, ये पी और ये बच्चों हो जाएगा यहाँ से, तो ये ज्यादा थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए था, थोड़ा और ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आपको मैथमेटिकली सोचना है कि कैसे ये होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ये पी है और ये एम है, तो ये डबल होना चाहिए इसका ना, तो ये थोड़ा ऐसे ऊपर से जाना चाहिए ऐसे, लेकिन वो तो आप समझ रहे हो कि डायग्राम जो है एक रफ डायग्राम ही होता है। तो बच्चों ठीक है, ऐसे कुछ हाइपरबोला बन जाएगा आपका। अब इसका इक्वेशन चाहिए हमको, तो देखो ये तो ओरिजिन हो जाएगा और इस पॉइंट का इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी एक्स इजिकल टू, इस लाइन की इक्वेशन आने वाली है एक्स इजिकल टू ए अपॉन ई, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होने वाला है ए कमा जीरो, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो है बच्चों, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कमा जीरो, और ए और ए डैश को हम बोलेंगे बच्चों वर्टेक्स, वर्टेक्स वर्टिसेज, क्योंकि जिस पे फोकस लाइन लाई करता है बच्चों ना, जिस लाइन पे देखो इस लाइन पे फोकस लाई कर रहा है, और ये एक्सिस है ऑफ द हाइपरबोला है, तो जहां पे एक्सिस ऑफ द, यू कैन से जिस एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला which contains the focus, that is in fact considered as a main axis. So this is a main axis which would be called as a transverse axis here, and this is the hyperbola, and jahan pe ye dono point inko hum vertex bolenge, theek hai, okay fine. To dekho yahan tak to hum log sab kuch, everything is fine. Ab now we will talk about the equation. To bachcho equation ki baat karne ke liye chalo ek point hum yahan pe le lete hain, p h ka mark, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, दिस इज एम, तो आई एम नाउ गोइंग टू से टू फाइंड द इक्वेशन एस पी इज इक्वल टू ई पी एम। अब एस पी क्या होगा बच्चों, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, अच्छे से देखो, अगर अच्छे से कंस्ट्रक्शन अगर आपको आ गया एलिस और हाइपरबोला का, तो क्वेश्चन करना तो बहुत ही फन है। मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, I am very eagerly waiting for those questions. Once you can understand these concepts, I can explain all those very easily. बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो बच्चों देखो, ये हो गया is equal to E, और जैसा कि जानते हो PM क्या होगा, तो PM होगा बच्चों H minus A upon E upon under root 1 square plus 0 square, और यहाँ पे mod आएगा, और ये square root है, अब दोनों तरफ का square कर देंगे, ठीक है ना, हम चाहे तो मॉड भी हटा सकते हैं, मॉड हटाना कोई उससे बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, लेकिन स्क्वायर करने पे भी मॉड हट जाएगा, तो चलो स्क्वायर करके हटा लेते हैं, तो h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर h माइनस ए अपॉन e का होल स्क्वायर, और आप लोग बिल्कुल कंप्यूटेशन पे ध्यान देते रहना, तो यहां से आ जाएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस ट्वाइस h a e प्लस k स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर आएगा बच्चों, तो a स्क्वायर हो जाएगा,
और माइनस ट्वाइस यू कैन से ए एच ई, कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों, क्योंकि इसको मैं एक्सपेंड करके ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी साथ साथ में करता रहूंगा, तो उससे ऐसा कुछ हो रहा है और ये दोनों कैंसिल हो गए। और बच्चों इसको मैं इधर लेकर के आऊंगा तो एच स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे ई मोर देन वन है ये ध्यान रखना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं क्यों ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ई स्क्वायर माइनस वन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे। और अब बच्चों हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो एच स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू ये हो जाएगा वन। ठीक है ना, बिल्कुल सही है यहां तक। ओके अब बच्चों एक चीज ध्यान से नोटिस करो आप, सो लोकस ऑफ पी एच कमा के इज एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, थोड़ा इसको कलरफुल तरीके से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू वन। और थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करने के लिए बच्चों, टू मेक इट ब्यूटीफुल लुक ब्यूटीफुल एंड सिमेट्रिक, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल, वी आर गोइंग टू कॉल ए स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर माइनस वन एज बी स्क्वायर। व्हाई बी स्क्वायर? बिकॉज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज ई इज मोर देन वन। ठीक है बच्चों, तो इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। और बच्चों ये यूज हो जाएगा इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए, फॉर्मूला की तरह यूज हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे आप मुझे एक बात बताओ कि ए बी से बड़ा है कि बी ए से बड़ा है या ए बी के इक्वल है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज व्हिच यू कैन डिराइव फ्रॉम हियर? बच्चों यहां पे देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अगर मैं ले लू बच्चों e को ले लू मैं 1. यू से 1.1 जो कि 1 से बड़ा है, तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 0.21 और b स्क्वायर अपन a स्क्वायर आ जाएगा 0.21, तो a इज मोर देन b आ जाएगा क्योंकि a और b पॉजिटिव तो नहीं है। अब e को मैं मान ले लेता हूं 2 ले लेता हूं, तो ए स्क्वायर इंटू 3 इजिकल टू आ जाएगा बी स्क्वायर, और फिर यहां से बच्चों क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो बी मोर देन ए आ जाएगा। और अगर बच्चों मैं ले लू ई को रूट 2 ले लू, तो ए स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर आ जाएगा और ए इजिकल टू बी आ जाएगा। तो बच्चों यहां पे तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये ध्यान रखना, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। E अगर मोर देन वन है बच्चों तो A कैन बी, तो यहां पे आप ध्यान रखना दिस इज सो इंटरेस्टिंग बच्चों कि इस इक्वेशन में अनलाइक द इलिप्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये बच्चों हमको हमेशा ध्यान रखना है कि A कैन बी मोर देन B और A इज इक्वल टू B और A इज लेस देन B, एनीथिंग कैन हैपन, बिल्कुल आपके सामने है देखो। लेकिन एलिप्स के केस में ऐसा नहीं था बच्चों, एलिप्स के केस में हमेशा ए बी से बड़ा था, ये ध्यान रखना। और बच्चों मैं आपको बता दूं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, देखो पावर ऑफ एक्स इज व्हाट, पावर ऑफ एक्स इज इवन, इट मींस सिमेट्रिक अबाउट, इससे इससे पावर ऑफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई? बिकॉज If a comma if bacho u comma v lies on this, then minus u comma v also lies on it. So it is symmetric about what? Y axis. Power of y is even. It means symmetric about x axis. Because if u comma v lies on it, u comma minus v also lies on it. So symmetric about x axis. Also symmetric about origin. Why?
बिकॉज इफ यू वी लाइज देन माइनस यू कमा माइनस वी ऑल्सो लाइज. तो बच्चों इस तरीके से जो हाइपरबोला की जो इक्वेशन आ रही है दिस इज परफेक्टली सिमेट्रिकल. बच्चों देखो कैसे, मैं फिर से एक डायग्राम बना देता हूं. ये इन दोनों लाइन, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. तो बच्चों इस लाइन को आप, जैसा कि आप बोल रहे हो डायरेक्ट्रिक्स आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा जेड है और ये हमारा सी है बच्चों, सेंटर, जिसको हम सेंटर ऑफ द हाइपरबोला भी बोलेंगे. और इस तरीके से हमारा हाइपरबोला आ रहा था ऐसे. तो बच्चों ये जो है हमारा हाइपरबोला आएगा जो बिकॉज ऑफ द यू कैन से सिमेट्री, आई कुड ऑल्सो से दैट दिस इज ए डैश. बच्चों बिकॉज ऑफ सिमेट्री, देखो इसको मैंने लिया ए कमा जीरो और इसको लिया है ए अपॉन ई कमा जीरो और यहां से हमारा हाइपरबोला डिफाइन हो गया है. बिकॉज ऑफ सिमेट्री देयर एग्जिस्ट अ सेकेंड फोकस, यू कैन से एस डैश माइनस ए कमा जीरो एंड सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स, यू कैन से एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई. अगर बच्चों इसका भी यूज करोगे, देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि इस फोकस का ये करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है या इस डायरेक्ट्रिक्स का ये करेस्पॉन्डिंग फोकस है. और अगर आप इस फोकस को ले लोगे और इस डायरेक्ट्रिक्स को ले लोगे तो भी ये पूरा का पूरा डिफाइन हो जाएगा. देखो एस पी एस डैश पी अपन पी एम इज ई, तो पूरा यहां से, तो दो फोकस होता है, टू यू कैन से फोकाई और फोसाई एंड टू डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना बच्चों, दो डायरेक्ट्रिक्स होगा और दो फोकस होगा, ये ध्यान रखना आपको. और इसको बच्चों हम बोलेंगे ये जो हमारा ए डैश है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस ए डैश जिसका लेंथ हम बोल रहे हैं ए डैश, इसका लेंथ है टू ए. और अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये हमारा जो हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इसमें अगर हम y को जीरो करेंगे तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल टू a एंड माइनस a. तो ये तो दो वर्टेक्स आ गए a कमा जीरो और माइनस a कमा जीरो. लेकिन अगर हम x को जीरो करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आएगा एंड दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू माइनस b स्क्वायर. तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, ठीक है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से जो है जो b डिस्टेंस है ये, यहां पे हम एक पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं b और इसको हम बोल देते हैं जीरो कमा b और इसको बोलते हैं जीरो कमा माइनस b और इस bb डैश को हम बोल देते हैं, bb डैश के लेंथ को हम बोल देते हैं 2b और a डैश को हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और इस bb डैश को बोल देते हैं कंजुगेट एक्सिस. और बच्चों देखो यहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का कॉन्सेप्ट इसलिए फेल हो गया या नहीं हम बात करते हैं, क्योंकि मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस से बड़ा होता है हमेशा एलिप्स के केस में. लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि ये जो हमारा इसको हम जिसको मेजर एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो माइनर एक्सिस. अच्छा एक मिनट, यहाँ पे बच्चों ये जो हमने लिया हुआ है पॉइंट ना, ये इनफैक्ट मैंने गलती से यहाँ पे ले लिया, ये वाई एक्सिस तो है ना, यहाँ पे होगा, यहाँ पे सॉरी, ये बी है और ये बी डैश है, ये जीरो कमा माइनस बी और ये जीरो कमा बी, आई एम सॉरी, ठीक है बच्चों. हाँ तो ये जो हमारा जो बच्चों यहाँ पे ये जो बी बी डैश है और ये ए डैश है, इसमें कोई ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं और ए डैश बी बी डैश से बड़ा भी हो सकता है और ए डैश बी बी डैश से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा था ए बी से बड़ा हो सकता है, ए बी से छोटा हो सकता है, ए बी से इक्वल, यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटीज हैं. और बच्चों ये बी और बी डैश कभी भी हाइपरबोला पे लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना. So this could be one of the reason that this is called as a conjugate axis. So this is transverse axis and this is conjugate axis. इसको आप major axis की तरह treat कर सकते हो, इसको minor axis की तरह treat कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि major axis का length minor axis से भी कम हो सकता है इस case में, hyperbola के case में. तो बच्चों देखो perfectly आपको सारा कुछ तो देखो मिल गया और बाकी सब कहानी वही है बच्चों. आप इस equation को कैसे बना सकते हो आप बताओ.
एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन में अगर बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं करना। तो देखो जैसे कि आपका जो इक्वेशन था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, किसका था ये? एलिप्स का इक्वेशन, एलिप्स के लिए बनाया था हमने। तो यहाँ पे अगर बी स्क्वायर जब माइनस बी स्क्वायर कर दोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और इधर माइनस ला दो तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ये इक्वेशन होगा और ये इक्वेशन हमने बनाया हुआ है। तो करीब करीब सारी इक्वेशन जो है जो एलिप्स की जो इक्वेशन में जो एलिप्स के जो रिजल्ट है ना वहां पे बी स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर रखने पे सारे के सारे रिजल्ट यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बच्चों एलिप्स और हाइपरबोला को एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अब यहां से बच्चों, अच्छा अब कुछ ट्रेस करके मैं दिखा देता हूं। देखो एक्स स्क्वायर अपन मान लो 16 माइनस वाई स्क्वायर अपन 4 इज इक्वल टू 1, इस हाइपरबोला को अगर हमको ड्रा करना है बच्चों तो यहां पे देखो ये कुछ ऐसा हाइपरबोला आ जाएगा ऐसा, जहां पे ये जो है हमारा 4,0 हो गया और ये माइनस 4,0 हो गया और ये इसको ए, इसको ए डैश बोल दो और ये हमारा हो गया मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बच्चों यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस जिसको बोल सकते हो ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ए डैश का लेंथ यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 8 हो गया और बी बी डैश का लेंथ यहाँ पे हो जाएगा अगर इसकी बात करोगे बी बी होगा 0,2 और ये 0,-2 तो बी बी डैश की लेंथ हो गई 4 यहाँ पे। लेकिन अगर आप बच्चों एक्स स्क्वायर अपन चलो ले लो ले लेते हैं 9 माइनस वाई स्क्वायर अपन 16 इज इक्वल टू 1, तो बच्चों यहाँ पे भी ये जो हाइपरबोला बनेगा हमारा वो देखो ऐसा, ये ए है और ये ए डैश है तो यहाँ पे ये 3,0 और ये -3,0 और ये बनेगा हमारा बी और बी डैश और ये जो कि 0,4 और 0,-4 होगा। तो यहाँ पे ए डैश का लेंथ कितना है 6 और बी बी डैश का लेंथ कितना है यहाँ पे 8 है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना और इक्वालिटी वाला भी केस बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 इज इक्वल टू 1, तो कुछ कुछ ऐसा ये 1,0 ये -1,0 ये 0,1 और ये 0,-1। देखो ए और ए डैश यहाँ पे ए डैश 2 आ जाएगा और बी बी डैश भी क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट केस तो ये है उससे, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों केसेस देखो मैंने बना लिया और ये समझना कोई बच्चों मुश्किल काम तो नहीं है। देखो अच्छा यहाँ पे ये गलती नहीं होनी है कि ए बी से बड़ा होगा वहां पे जैसे होता था तो मेजर एक्सिस क्या होता था हमारा, ठीक है ना, और ए बी से छोटा होता था वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों केसेज में जैसे कि एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर 1 है तो ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है या ए बी के इक्वल है, हमेशा यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस ही है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चों। हम एलिप्स के केस में क्या करते थे आपको याद है ना कि जब हमारे पास ये होता था एक्स स्क्वायर अपन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपन 4 इक्वल टू 1 तो कुछ ऐसा एलिप्स बनाते थे और जब यही हो जाता था एक्स स्क्वायर अपन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपन चलो 16 ले लिया यहाँ पे 25 इक्वल टू 1 तो कुछ ऐसा बना लेते थे और बिल्कुल ये बिल्कुल लॉजिकल था। यहाँ पे बच्चों फोकस यहाँ पे आ जाता था और यहाँ पे फोकस यहाँ पे आता था, ठीक है ना। इसको हम ए स्क्वायर तो हम ये एक काम तो मैंने कर ही दिया था कि ए स्क्वायर को मैं हमेशा बड़ा लेता था यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है ना, और एक ही फॉर्मूला मैंने यूज किया। लेकिन यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इस केस में बच्चों, ठीक है ना, ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है या ए बी के इक्वल है, हमेशा मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस देख रहे हो ना कैसे बन रहा है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और फोकस वगैरह तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे फोकस वगैरह निकालने में कोई आपको कंसर्न तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर आपसे कहा जाता है बच्चों एक क्वेश्चन, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन यू कैन से 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इजिकल टू 1, तो सॉल्यूशन ए स्क्वायर बच्चों यहाँ पे 16 है और बी स्क्वायर 25 है और बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो बी स्क्वायर मीन्स 25 ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर माइनस 1, तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 25 बाई 16,
तो ई स्क्वायर इक्वल टू 25 बाई 16 प्लस 1 41 अपन 16, सो ई इज इक्वल टू रूट 41 अपन 4, दिस इज द रिजल्ट। और अगर बच्चों उसी तरीके से अगर आप फोकस चाहोगे तो फोकस क्या हो जाएगा, ए ही निकालो, तो ए कितना है बच्चों 4 इंटू रूट 41 बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो रूट 41 आ गया। तो अगर फोकस की बात करोगे तो रूट 41 कमा 0 ऐसे बन जाएगा प्लस माइनस, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है बच्चों, देयर इज नो इशू एट ऑल। और अगर ये क्वेश्चन होता मान लो फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, सॉल्यूशन हियर ए स्क्वायर इज 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही यूज करना है, सो 9 इज इक्वल टू 16 e स्क्वायर माइनस 1, दिस इंप्लाइज e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 प्लस 1 दैट इज 25 बाई 16, सो बच्चों यहां से आ जाएगा e स्क्वायर, सो e आ जाएगा बच्चों 5 बाई 4, एंड दिस इज अगेन मोर देन 1, यू कैन सी मोर देन 1 तो यहां पे भी था, देखो दिस इज ऑल्सो मोर देन 1, तो वो इशू तो है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। और तीसरा केस एक चलो बना लेता हूँ जिसमें बच्चों ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ कंजुगेट एक्सिस इक्वल हो जाएगा, तो एक्स फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, सॉल्यूशन तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, तो बच्चों b स्क्वायर अगर a स्क्वायर के इक्वल हमें कभी भी अगर हो जाएगा तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा एंड e स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 एंड दिस इंप्लाइज e इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है बच्चों। हम लोग देखेंगे बच्चों इस तरह के हाइपरबोला को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होगा बच्चों कि व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। अगर इसेंट्रिसिटी रूट 2 हो जाएगा बच्चों तो उस हाइपरबोला को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलेंगे, इसके पीछे भी बहुत कुछ रीजन है। फिलहाल आप ये बस जानो कि ए डैश और बी बी डैश ये जो कंजुगेट एक्सिस है और ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इनका लेंथ आपस में इक्वल होता है, ये बस जानना है आपको। तो बच्चों बेसिकली ब्रॉडली तीन केसेस मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अगर बच्चों हमने लिया होता, अब ध्यान से सुनो, सब कुछ तो हमने बच्चों डिराइव किया है कहां से, सब कुछ तो हमने अभी जो बिल्कुल बिगिनिंग में जो हमने डेफिनेशन यूज किया था हाइपरबोला का, वहां से हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट किया, और इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या किया था, इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों मैंने जो है एक्स एक्सिस ले लिया ए डैश को, तो अगर बच्चों ए डैश को अगर वाई एक्सिस ले लोगे, ठीक है ना, तो बच्चों अब ये भी ध्यान रखना देना है कि अगर हमने लिया होता कुछ ऐसा, बड़ा सिंपल है अंडरस्टैंड करना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर हमने बच्चों यहां पे एस ले लिया और ये ए और ये जेड, ठीक है ना, तो ये अगर बच्चों हम और ये सी हो गया, अगर हमने कुछ ऐसे ले सकते थे, हम क्यों नहीं ले सकते थे, तो यहाँ पे बच्चों ये जीरो कमा ए हो जाएगा और ये हो जाएगा जीरो कमा ए, और ये हो जाएगा बच्चों वाई इक्वल टू ए अपॉन ई, और उसी तरीके से दूसरा वाला फोकस भी निकाल सकते हो आप, इसको बोल दोगे एस डैश जीरो कमा माइनस ए अपॉन ई एंड दिस इज वाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई ऐसे, लेकिन ये ध्यान रखना कि इस फोकस का ये करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है और इस फोकस का ये करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है, तो बच्चों यहां से इक्वेशन क्या आती, व्हाट इज द इक्वेशन हियर, यहां पे होगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इसको ब्यूटीफाई करने के लिए अभी यूज कर लेते हैं, और बच्चों आ जाता है y स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा हाइपरबोला आ जाता है, दैट्स ऑल।
और यहाँ पे बच्चों इस बार हमारा जो एक तरीके से जो मेजर एक्सिस बनता, या जिसको मैं मेजर एक्सिस बोल रहा हूँ तो उससे बच्चों आप कंफ्यूज मत होना, दिस इज द यू कैन से ट्रांसवर्स एक्सिस हियर, जो कि मेजर एक्सिस जैसा है, और उस यहाँ पे जो है मिल जाता आपको बी, और यहाँ पे बी डैश, दिस इज बी एंड दिस इज बी डैश, ये हमारा पॉइंट मिल जाता है बी कमा जीरो और दिस इज माइनस बी कमा जीरो। और देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पे अगर आप एक्स को जीरो करोगे तो वाई की तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर वाई को जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, यानी ठीक है ना, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। और बिल्कुल बच्चों जैसे कि मान लो अगर आपसे कहा जाता है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यू कैन से 4 इज इक्वल टू 1। अच्छा कई बार एग्जाम में बच्चों ये ऐसे भी दिया जा सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना। तो इसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लोगे, और यहां से देखो ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर बच्चों यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर यहाँ पे है 16 और बी स्क्वायर बच्चों यहाँ पे 4 है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो 16 इज इक्वल टू 4 ई स्क्वायर माइनस 1, दिस इंप्लाइज ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एंड दिस इंप्लाइज ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सो ई इज इक्वल टू रूट 5 आ गया। और इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों, ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा इसका, ऐसे दिस इज द ग्राफ, फोकस वगैरह सब वैसे ही निकालोगे, फोकस वगैरह बच्चों 0, ए और 0, -ए दोनों फोकस ऐसे आएंगे। तो सब कुछ परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। बताओ क्या है केशव? सर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आपने चेंज कर दी जब प्रूफ करी है। अच्छा ए, अच्छा ठीक है ओके सही कर देता हूँ मैं, गुड वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे बी स्क्वायर 4 है, आई एम सॉरी, वेरी गुड, एंड 16 ई स्क्वायर माइनस 1, तो दिस इंप्लाइज ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 16, ठीक है ना, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन 16 एंड दिस इज इक्वल टू 20 अपॉन 16, सो ई इज इक्वल टू 2 रूट 5 अपॉन 4 and this is that equal to root 5/2 and this is more than one आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो बिल्कुल सही, थैंक यू केशव, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, देयर वाज अ कंप्यूटेशनल एरर। तो बच्चों देखो कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अच्छा अब बच्चों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, यहां पे अगर हम जो है जैसे कि हमने एक सेकंड डेफिनेशन बनाया था हाइपरबोला एलिप्स के लिए, हमने एक सेकंड डेफिनेशन बनाया था बच्चों, वैसे यहां पे भी अगर हम दो पॉइंट ले लें एस और एस डैश, ये दो पॉइंट लेने के बाद से अगर हम बात करें, ये दोनों फिक्स पॉइंट है बच्चों, और अगर हम बात करें कि एक पॉइंट ऐसा है जो इस तरीके से मूव कर रहा है, ये पॉइंट कोई पी है, सच दैट एस पी माइनस एस डैस पी ये कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है जिसको एक इक्वल ले लेंगे, टू एक इक्वल ले लेंगे। तो बच्चों यहां से भी मिस एस एंड एस डैस आर टू फिक्स पॉइंट एंड पी जे पॉइंट सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एस पी एंड एस डैस पी इज इक्वल टू 2a। तो बच्चों यहां से भी इंटरेस्टिंगली हमको एक कर्व मिल जाएगा ऐसा कुछ, ऐसे और ये बच्चों हाइपरबोला आ जाएगा, यहां से भी हाइपरबोला आ जाएगा, और ये सारा डिस्कशन बच्चों हम लोग अगली क्लास में करेंगे बच्चों, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।